दुनिया में लाख अंधेरा हो जाए लेकिन नजर रोशनी को ढूंढ ही लेती है। मैं जानती थी मेरा अर्जुन अपनी रोशनी ढूंढते हुए आ ही जाएगा। तुम्हें कितनी चोट लगी, ये कैसे इतना खून भरा? खून तो आज बहुत बहा है, वो जिसको तुम पानी समझते हो, वो खून जो मेरी जिंदगी में सबसे कीमती और वो है मेरा प्यार सांझ। आज जो तुमने किया माया वो ठीक नहीं था। अगर तुमने मेरी सांझ को किसी तरह से भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सांझ को तकलीफ में देखकर दर्द हुआ ना, जानते हो क्यों? क्योंकि जिससे प्यार होता है ना उसका घाव हमें छू जाता है, ठीक उसी तरह जब चोट तुम्हें लगती है और दर्द मुझे होता है। तुमने सांझ के लिए सांझ का नाम अपने मुंह से लेना भी मत, वरना वरना क्या मार डालोगे मुझे? मारो ना अर्जुन। सांझ को प्यार करते हो, उस पर अपना हक मानते हो और मैं तुम्हारी हर बात मानती हूं, इसीलिए जो तुम मुझे दोगे वो मैं सांझ को दूंगी। तुम्हारी जो दुश्मनी है मुझसे, मुझे मारो। नहीं अर्जुन, तुम्हें जिंदा रहना होगा सांझ को मरते हुए देखने के लिए, क्योंकि वो जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। क्योंकि जब किसी अपने को चोट पहुंचती है ना, और मैं चाहती हूँ कि तुम वो दर्द महसूस करो। मेरी सांझ को छोड़ दो। तुम्हारी सांझ तुम्हारी सिर्फ माया होनी चाहिए और इस पूरी दुनिया में अर्जुन सिर्फ तुम ही तो हो जो मेरे दुश्मन नहीं है, तुम मेरे पति हो। और अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के पास जाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी पत्नी थी, तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हो चुका। धोखे से और तुम और मैं, हमारा रिश्ता कोई कागज तो क्या, भगवान भी नहीं तोड़ सकते। तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता है, वो है नफरत का। एक बात समझ लो, मैं सांझ से प्यार करता हूं, उससे शादी करने वाला, ये बात समझ लो, वरना फांसी पर लटकते वक्त समझने का मौका नहीं दूंगा। मुझे क्या समझा रहे हो अर्जुन, पहले खुद तो समझ लो। मेरा प्यार गले में लटके हुए जंजीर की तरह है, दूर जाओगे तो गला घोट लेगी और अगर पास रहोगे तो दूसरों को तुम्हारे तक पहुंचने से रोकेगी। अर्जुन, फांसी पर मैं नहीं, फांसी पर तुम लटके हो अर्जुन। ना प्यार किया जाता है और ना दूर रहा जाता है, बस तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती अर्जुन
हर जंजीर तोड़ दूंगा, हर आता तूफान मोड़ दूंगा, अपनी सांस पे आती हर नजर फोड़ दूंगा। तुमने अर्जुन को मारा, मेरे अर्जुन को। और मैं क्या करता माया जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। अर्जुन को बहुत दर्द हुआ होगा ना, खून निकला उसका। हाँ, दर्द तो बहुत हुआ था, आफ्टर ऑल मैंने बहुत जोर से मारा था। मैम प्लीज। खून मैम, मेरे अर्जुन को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चोट अर्जुन को लगती है और दर्द मुझे होता है। तुमने अर्जुन को मुझे और माया अपने हर जख्म का हिसाब मांगती है। सांझ को बहुत डरा दिया, बहुत डरती है उसे। अब उसे उसके हर दर्द से आजाद करने का वक्त आ गया है। आजाद? लालवानी, मैंने ना सांझ से वादा किया था कि जिस दिन उसकी मांग में सिंदूर भरेगा उस दिन अर्जुन की अर्थी उठेगी। पर मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मुझे सांझ की आंखों में आंसू नहीं, मुझे अर्जुन की आंखों में आंसू देखने, खून के आंसू। और जब सांझ मरेगी तो दर्द अर्जुन को होगा, वो दर्द जो मैं महसूस कर रही हूं, वो दर्द जो दिल को रुका देता है। कहते हैं कि आग सब कुछ शुद्ध कर देती है, और अब सांझ की शुद्धि का वक्त आ गया है। क्योंकि आग तो आग होती है, फिर चाहे वो मंडप की हो या फिर चिता की। सांझ का खून? खून नहीं, इसे आजादी कहते हैं। लालवानी, मैं सांझ को आजाद करना चाहती हूं, और इसमें इसमें तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें ना कहने का हक नहीं दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.